ऐसी मस्त आवाज़ और ऐसा मस्त जादू जगाने आई है इस महफिल में कि इस महफिल में चार चांद लग जाएंगे। चलो हीर बेटा शुरू करो। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई हूँ ढोल ना वे, मैं लुटी गई हूँ। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई हूँ ढोल ना वे, मैं लुटी गई हूँ। लाइया लाइया माशाल्लाह साईं माशाल्लाह, चेहरा तो देखो कैसा खुशी से दमक रहा है। सही कह रहे हो यार, उस लड़की के चेहरे पर कितनी मासूमियत थी, उसकी आंखों में वो गहराई थी और उसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी थी। कौन थी वो लड़की, किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? मामा वो मूवी में हीरोइन थी, उसको बिल्कुल हंसना नहीं आ रहा था, हम उसी की बात कर रहे थे। तो तुम दोनों मूवी देखने गए थे, टाइम देखा है? मामा मैं और मुख्तार एक दोस्त की पार्टी में गए थे। अच्छा तो पार्टी भी थी, दोस्त तुम्हारा था या मुख्तार का? अरे मामा वो मेरा दोस्त था, सही में अपने क्वार्टर में था। रात बहुत हो गई है, तुम अपने कपड़े तब्दील करके सो जाओ। गुड नाइट मामा। ठीक है दुआ, तुम्हारे पेरेंट्स सख्त हैं, लेकिन आई श्योर वो हर वक्त तुम्हारे कमरे में घुसकर ये तो नहीं देखते कि तुम फोन पे बात कर रही हो या सो रही हो। जब आई मीन राणा साहब पहरा तो नहीं देते तुम्हारे कमरे का? अदील प्लीज, मेरे बाबा का नाम तमीज से लिया कर। ओके ओके रिलैक्स, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। वाह भाई, आज दुआ अपने डर से निकल के मुझे डरा रही है। आई लाइक इट। वैसे भी कोई बात नहीं, तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो। नहीं यार दुआ, ये मत बोलो यार, ये मुझसे नहीं होगा। सीरियस बोरिंग और खामोश लोगों को देख कर ना मुझे ऐसे लगता है जैसे वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। काश मैं भी इस तरह सोच सकती। नहीं दुआ, तुम ऐसा नहीं सोच सकती, तुम नहीं जानती मेरे दिमाग में कैसी कैसी शरारतें आती है। मसलन ये कि कभी कभार मेरा दिल चाहता है प्रोफेसर हाशिम के सर के ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दूं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। वो तुम्हें छोड़े नहीं ना, तुमने ऐसा किया तो। दुआ टेंशन नॉट, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी तुम कितना आसान हो, चलो अब क्लास में सो जाएगी। ओके। शुजा बेटा उठ जाओ, बेटा जनी उठ जाओ, आप आधा दिन गुजर गया। मामा प्लीज थोड़ी देर सोने दे। कोई जरूरत नहीं है, राणा साहब पूछ रहे थे तुम्हारा, तुम रात को खाने पे भी नहीं थे। देखो बेटा
जिस मान से उन्होंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां सौंपी है ना, उन्हें मायूस नहीं करना चाहिए। चलो उठो। मामा, उन्हें किसने बताया कि मैं घर पे हूँ? उनसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। और वैसे मुझे बताओ ना, तुमने किस खुशी में आज कॉलेज से छुट्टी की? मामा, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, आप मुझे बच्चों की तरह मत ट्रीट करें। मेरी क्लास शाम को है। तो फिर ठीक है, जाओ जाके राना साहब को अपनी शक्ल तो दिखा के आओ। मामा, मुझे बाबा के हिसाब किताब बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा, अभी तो राना साहब को ये नहीं पता कि रात तुम 1 बजे घर लौटे थे। मामा, बाबा ने मुझे खुद इजाजत दी थी, उन्होंने कहा था मैं आ जा सकता हूँ अपनी मर्जी से। इतराज तो मुझे भी नहीं, पहले भी तुम दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते थे। शुजा, मुझे मुख्तार का यूं तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं है। उसको यूं दोस्तों के साथ तुम लेके घूमते हो, वो घर का नौकर है। मामा, आप भी बाबा जैसी बातें करना शुरू हो गई। ये इंसानों में फर्क करना, किसी को अपने से कमतर समझना, ये बहुत बुरी बात है मामा। कुछ फर्क बड़े वाजे होते हैं, उन्हें महसूस करना जरूरी होता है। मैं काफी अरसे से मुख्तार की तुम्हारे साथ बेतकल्लुफी को नजरअंदाज कर रही हूँ, पर तुम उससे फासला रखो। कोई जरूरत नहीं है उसे दोस्तों की तरह अपने साथ घुमाने फिराने लेके जाने की। मामा, बाबा ने खुद उसे मेरे साथ रहने को कहा है, वो मुझे हिसाब किताब की डिटेल्स देता है। यही तो तुम्हें समझा रही हूँ, मुलाजिम मालिक का काम करने के लिए होता है, उस पर अपनी मर्जी चलाने के लिए नहीं होता, फर्क समझो। देखो बेटा, मुख्तार जिस क्लास से है ना, उन लोगों के सोचने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है। लोग बड़े तेज होते हैं बेटा, उससे जरा दूर रहा कर। मामा, मुझे भी मुख्तार के साथ रहने का कोई शौक नहीं। मैं जल्द से जल्द दुआ की शादी कराना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ के कहने पे मैंने उसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी है, और उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है शुजा। चादर वाले लोग तुम पे सूट नहीं करते, आंटी लगती हो। तुम्हारे नाम जो बैंक अकाउंट है, मैं शुजा के नाम ट्रांसफर करा रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं। जी एसपी साहब, ठीक है। हाँ जी, बाद में बात करें। तुम अभी तक गए नहीं? सही, वो वापसी पे छुट्टी बेबी का फोन आता है तो फिर लेने के लिए जाता। जाओ, उसे जाकर जल्दी लेकर आओ, मैंने वकील को बुलाया हुआ है। और हाँ, वो तुम्हारे नाम जो बैंक अकाउंट है, मैं शुजा के नाम ट्रांसफर करा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आना शुजा। ये क्या तुम औरतों की तरह देर तक सोते रहते हो? मर्द बनो, कारोबार संभालो। बाबा, अभी मेरी यूनिवर्सिटी चल रही है। छोड़ो यूनिवर्सिटी को, मैंने तुम्हारे लिए कुछ जिम्मेदारियों का सोचा हुआ है। जी बाबा। मैं समझता हूँ कि अब तुम इस काबिल हो गए हो कि ये घर, जायदाद, जागीर, कारोबार, कचहरी, सब कुछ अब तुम संभालो। मुझे मुख्तार की वफादारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अब ये पैसों की जिम्मेदारियां संभालो। जी बाबा। और मुख्तार के नाम पर जो बैंक अकाउंट्स थे, वो अब मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कचहरी चलो, ताकि तुम मेरे तजर्बे से फायदा उठा सको, और कल को मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को इंसाफ दिला सको। बाबा, क्यों बार बार खुद से जुदा करने की बातें करें? हमें मौत के अलावा कोई चीज जुदा नहीं कर सकती शुजा। तुम मेरे जानशीन, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने बाप दादा की तरह गैरतमंद बनो। दुआ का ख्याल रखा करो। भाइयों का ये फर्ज होता है कि अपनी बहनों की हिफाजत करें।
बरसों पहले सीरत की वजह से जो इस घर पे क्यामत ढाई थी, मैं नहीं चाहता कि दुआ भी कोई ऐसी गलती करे। पापा दुआ ऐसी नहीं है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे इस खानदान या आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। वो पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, मुझे ढूंढ रही थी ना? नहीं नहीं तुम। Are you sure? Really? वैसे एक बात तो बताओ, वहां तुम हर वक्त ये चादर क्यों ओढ़े रखती हो? क्यों, इसमें क्या बुराई है? नहीं इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं सोचा था तुम्हें गर्मी नहीं लगती? लगती है, पर अब आदत हो गई है। आदत हो गई? यार यूनिवर्सिटी में तो चादर उतार सकती हूँ। मुझे इजाजत नहीं है। लेकिन दुआ यहाँ पे कौन है जिसे छुपाने के लिए तुम हर वक्त अपने आप को चादर में रखती हो? बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं रह सकती? देखो कितना एंजॉय करती है सब। दुआ अपने ख्वाब से निकल कर देखो, ये दुनिया बहुत रंगीन है। जी नजर आ रही है मुझे। रियली दुआ, तुम्हें हर वक्त चादर में देखकर ना मुझे उलझन होती है। मैं जानता हूं कि दुआ को पढ़ाई का शौक है और इसलिए तुम्हारे मां के कहने पे मैंने उसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी है, और उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है शुजा। मैं चाहता हूं कि यह बात उसके जहन में नक्श हो जाए। तुम उसके भाई हो, अपना फर्ज निभाओ। मुझे तुमसे बात करना बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसा ही अपने कूल स्टाइल से सबको इंप्रेस करता हूँ। इंप्रेस नहीं, बॉदर करते। देखो दुआ, चादर के बगैर तुम कितनी कूल लग रही हो, अच्छी लग रही हो। ये चादर वाले लोग तुम पे सूट नहीं करते, आंटी लगती हो। तुमने मुझे आंटी कहा है? नहीं नहीं तुम्हें नहीं, माय स्टाइल को, स्टाइल को। बहुत प्यारी हो यार, वेरी प्रीटी। अच्छा कितनी प्रीटी हूँ मैं? बस इन बड़ी बड़ी आंखों में थोड़ा सा काजल हो, हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, देखना तो पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारी टक्कर की कोई लड़की नहीं, कोई नहीं। बहुत प्यारी लगोगी तुम, सबसे प्यारी। भैया तुम अपना हेयर कट चेंज करवाओ ना, चेंज की भी तो बात है। अच्छा पर क्यों, तुम क्यों ऐसा चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम और भी प्यारी लगो, बहुत प्यारी। इस यूनिवर्सिटी की क्या, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी लड़की। और कुछ? और कुछ याद आया तो मैसेज कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुख्तार आ गया। अलाफिस। अलाफिस। दुआ, योर बैग। बाय बाय। मैं जल्द से जल्द दुआ की शादी कराना चाहता हूँ, भले वो शादी के बाद अपनी तालीम जारी रखे, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपने लड़का पसंद कर लिया? मैं तुमसे बात करने वाला था कल सुबह, बैठो। कौन है वो लड़का? सफी, एक महीने बाद वलायत से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आने वाला है। अच्छा लड़का। पहली बार कासिम भाई हमारे साथ क्या करके गए थे वो सब भूल गए आप? कसूरवार तुम्हारी बेटी थी, भूल गई हो तुम? और ये क्या औरतों की तरह अगली पिछली बातें मुझे याद करा के मेरे भाई के खिलाफ मुझे भड़काती रहती हो? क्या बातें मेरे जहन में डालती रहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्यों भूल जाती हो कि कासिम उसका चचा है? इसलिए सीरत की बदनामी पे वो खामोश हो गया था, उसकी जगह कोई और होता ना तो सरेआम संसार कर देता। बात करती हो, वो वकील आ गया होगा, चलो।
वो बदकिस्मत तो बाप के हाथों कत्ल हुई थी, कोई क्या संसार करता। चलो मुख्तार बेटा यहां पर साइन कर लो। शाबाश। आज के बाद तुम्हारे नाम के दोनों अकाउंट शुजा साहब डीड करेंगे। ये ले रहना सर। शुजा तुम भी साइन करो। मुबारक हो राणा साहब, औलाद जवान हो जाए तो बाप की आधी टेंशन खत्म हो जाती है। वकील साहब मेरी तो पूरी टेंशन ही खत्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कंधों से सारा बोझ उतर गया हो। बोझ बांटने वाला जो जवान हो गया राणा साहब। ऐसा ही है वकील साहब, ऐसा ही। क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम और भी प्यारी लगो, बहुत प्यारी। इस यूनिवर्सिटी की क्या, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी लड़की। देखो दुआ, चादर के बगैर तुम कितनी कूल लग रही हो, अच्छी लग रही हो। चादर वाली लोग तुम पे सूट नहीं करते, आंटी लगती हो। सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों में थोड़ा सा काजल हो, हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, देखना तो पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारी टक्कर की कोई लड़की नहीं, कोई। बहुत प्यारी लगोगी तुम, सबसे प्यारी। साइड ब्यूटी पार्लर जाना है ना, तो आप वाले पार्लर पे ले लूं। हाँ ठीक है। दुआ के इम्तिहान होने वाले हैं। इसमें कौन सी ऐसी अनोखी बात है, हर यूनिवर्सिटी में इम्तिहान होता है। उसे एडमिट कार्ड लेने जाना है। तुम्हें यकीन है कि वो एडमिट कार्ड लेने जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं?
कुलसुम, दुआ को मैंने तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी है। अगर इस बार कोई कोताही हुई तो मैं माफ नहीं करूंगा, बल्कि इस बार सजा दुआ को नहीं तुम्हें मिलेगी। सीरत की बार भी सजा मुझे ही मिली, उसकी तरफदारी भी तुम ही ने की थी, और अभी दुआ को यूनिवर्सिटी जाने से एक दिन मैंने रोका नहीं और तुम इजाजत लेने आ गए। बता सकती हो क्यों? आप मुझ पे शक कर रहे हैं। शक? कभी कभी तो मुझे अपनी आंखों देखकर भी यकीन नहीं होता और तुम शक की बात कर रही हो। लेकिन याद रखो, मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? कुलसुम, तुम्हें भी अंदाजा लगाने का पूरा हक है। सोचो और करो, ध्यान दो, शायद तुम्हें भी समझ आ जाए। बेटे की मां हो, चुकन्ना रहना चाहिए। चाय दो। कैसी लग रही हूँ मैं? वाह जी वाह। तुम दोनों बहन भाइयों ने एक अजीब ही रूटीन बना ली, कमरा बंद करके पढ़ते हो। तुम कब जाओगे वहाँ? सही, वहाँ तो जाए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। Happy birthday to you. मैं नहीं जाऊंगी उस सेठ के पास। क्यों उस पर जबरदस्ती कर रही? तो फिर तुम खरीदोगे? कैसी लग रही हूँ मैं? वाह जी वाह। मैं क्या कहा, छोटा मुंह बड़ी कान। मर जाऊंगा। मुख्तार, क्या बकवास कर रहे हो, दरवाजा खोलो। छोटा सैन, तुसा वाल कटवाए? बड़े साई को पता है आपने वाल कटवा लिए? हाँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यार मुख्तार, ये फैसले इतने बोरिंग नहीं होते जितने मैं समझता था। हाँ सही, चंगा लगे हो था बैठे। पता नहीं, लेकिन बाबा मेरे बोलने पर बहुत खुश हो रहे थे। सही, वो तो खुश होंगे ना, पुत्र जवान हो जाता है तो बाप तो बहुत खुश होता है। और फिर बड़े सही कह रहे थे कि आप सब कुछ कर सकते हो, और आपको तो पता है बड़े सही की हर बात में कितना वजन होता है। हाँ यार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाबा जितना मुझ पर यकीन करते हैं, मैं उससे कई अच्छा साबित होकर दिखाऊं। सही, आज तक तो ऐसा ही हुआ है, आगे तो अल्लाह जानता है। सही, अब तो आप पैसों में खेलोगे, तो दो अकाउंट आपके नाम हो गए हैं। अब तो जितना चाहे निकालो, खर्च करो। अब तो सही, हमको भी आपके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं, तुम बाबा एक खास आदमी हो, मेरे दोस्त हो, जितने चाहे मांग सकते हो यार। सही, मुझको तो बहुत पैसे चाहिए। कितने चाहिए मुझे बताओ? इतने पैसे चाहिए सही कि बाली बाजी को दिखा के खुश कर सको। ये लो।
कब जाओगे वहां? सही, वहां तो जाए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। आप चलेंगे क्या? आप कहीं तो अभी चले। नहीं यार, अभी मूड नहीं। छोटे साई, क्या बात कर रहे हैं? वहां जाने से तो कोई नहीं मना करता है, तो साड़ी मर्जी साई, हम तो जाएंगे। अभी मैं सोने जा रहा हूं यार। चलो ठीक है सही, आप रेस्ट करो। ओके मुख्तार, गुड नाइट। बहुत प्यारी है यार, यू वेरी प्रिटी। क्या बात है दुआ, तुम घर आते ही अपने कमरे में बंद हो। जी वो मैं पढ़ रही थी। तुम दोनों बहन भाइयों ने एक अजीब ही रूटीन बना ली, कमरा बंद करके पढ़ते हो। मामा वो मैं वॉशरूम में थी इसीलिए। तुम खाने की मेज पर भी नहीं आई। जी मुझे भूख नहीं है। क्या बात है दुआ, मैं देख रही हूँ कुछ अरसे से तुम्हारी भूख प्यास मिटती जा रही है। तुम्हें पता है ऐसी बातें राणा साहब के दिल में शक डाल देती हैं। लेकिन मामा मैंने सब कुछ नहीं किया है। मुझे पता है, मेरा मान हो तुम, मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। घर बेटा आके तुम्हें खाना खाना चाहिए था। तुम्हें पता राणा साहब को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मामा मैंने बाहर से खा लिया था सैंडविच, अब मुझे भूख नहीं है तो मैं क्या करूं? अच्छा मैं सुकरा के हाथ दूध का ग्लास भिजवाती, पी लेना। शुजा मुझे कॉल करना बंद कर दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Happy birthday, dear Dua. Happy birthday to you. कैसा लगा सरप्राइज? आज 21 दिसंबर है, मेरी बर्थडे आज। Yes. भाई हमारे आईडी कार्ड पे तो यही डेट लिखी, क्या ये गलत डेट है? Thank you so much, Abhi. Thank you. बाद में कहना बर्थडे गर्ल, पहले केक काट। एक सेकंड। One. Happy birthday to you, happy birthday dear Dua, happy birthday to you. Really? Thank you. Happy birthday. ये लो दुआ, बर्थडे गिफ्ट।
थैंक यू सो मच। दुआ, ये बर्थडे गिफ्ट। वाओ, दुआ के लिए अदील साहब गिफ्ट लेकर आए हैं। वैसे दुआ, यू आर सो लकी, वरना ये केयरलेस इंसान तो किसी को गिफ्ट नहीं देता। आप ले भी लो दुआ। थैंक यू सो मच दुआ, योर बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू। मुख्तार, कहाँ जा रहे हो? क्या छोटा सही, अब आप भी मेरे आने जाने पे नजर रखोगे? खुदा के लिए राणा साई से कुछ मत कह देना। अरे नहीं यार, तुम ऐसा समझते हो ना सही, आप बड़े लोग हैं, बड़े लोग का क्या भरोसा होता है साई? दिल में कुछ है, मुंह पे कुछ है, करने कोई काम जाते हैं, हो कुछ जाता है। अरे यार, तुम लोग ना बड़े लोग को बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हो। सही, हम गरीब लोग हैं, ना किसी के तीन में ना तेरा में, शान भी सारी आपकी, हुक्म भी आपका। यार मैं बोर हो रहा था, सोचा तुम्हारे साथ। तो मेरे साथ क्या सही, मैंने तो पहले कहा था दिल खराब करने से अच्छा है दिल बहलाएं, और दिल बहलाने के हजार इलाज मौजूद हैं। मैं तो बड़े सही की गाड़ी में पेट्रोल डलाने जा रहा हूँ, आप साथ चले ना, बाहर का चक्कर लगा के आते। हाँ चलो। ऐसे बाबा ने कभी भी मुझे और शुजा को पार्टी सेलिब्रेट करने की इजाजत नहीं दी। हाँ वो तो लग ही रहा था तुम्हें देखकर, कितना हैरान हो गई थी केक को देखकर। ऐसे दुआ, तुम्हारी मामा की हिम्मत है यार, उस शख्स को सारी जिंदगी बर्दाश्त की है। दुआ मत परेशान, कोई राणा जलाल नहीं आने वाला हमारी पार्टी खराब करने के लिए, मत परेशान हो। जस्ट चिल, रिलैक्स। चल शबनम, जरा जोर से दबा, जान नहीं है तेरे हाथों में। मैं हीर को बेचना तो नहीं चाहती थी, पर अब उसकी बोली लग चुकी है। बोली कितनी लगी है? बहुत बड़ी रकम है, तुम अदा नहीं कर सकते। इवन ना समझो साडे साईं को, बड़ी शान है हमारे साईं दी, तुम्हारा तो एक घर भी खरीद सकते हैं। बाली बाजी, सेठ अमजद ने ब्रीफकेस भेजा है और बाहर हीर को लेने के लिए गाड़ी भी। मुख्तार, पता है इसमें कितनी बड़ी रकम है? पूरे 15 लाख रुपए। पैसे लुटा दो आई, मैं नहीं जाऊंगी उस सेठ के पास। तू रट बेशरम, पागल हो गई है क्या? इतनी बड़ी रकम मैं वापस कर दूं? मुंह मांगे पैसे दिए उसने। आई मेरी बात सुन, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, भले तू मेरी जान ले। हीर, बच्ची ना बन, अब तू बड़ी हो गई है। जब वो जाना नहीं चाहती तो आप क्यों उस पर जबरदस्ती कर रही? तो फिर तुम खरीदोगे? हाँ, हमारे साई खरीदेंगे, पूरे 20 लाख में 5 लाख ऊपर देंगे। अरे बड़ी कदर है इनके दिल में तुम्हारी हीर की। बाजी रेम खाओ अपनी बच्ची पे, क्यों उस बुढ़े के पास भेजती हो उसको? हमारे साई को देखो, जवान है, खूबसूरत है, और क्या चाहिए तुम्हारी हीर को? नहीं, आप ना इसमें 20 लाख भरो सर, और दिखाओ इनको कि हमारे लिए 20 लाख कुछ नहीं है। करूं मुख्तार, मजबूरी है, वरना मेरी हीर तो अनमोल है, अनमोल। बाजी साईं के दिल में क्या कीमत है हीर की, पता चल जाएगा तुमको अभी थोड़ी देर में।
एक बार हमारे छोटे साईं का दिल खुश हो जाए फिर देखना बाहर आ जाएंगी तुम्हारे इस घर में। अजी ये लो, हीर को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। मुख्तार, मेरी हीर बड़ी नाजुक है, कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। बाजी हमारे साईं का चेहरा तो देखो, इतने मासूम है, बड़े शरीफ आदमी है, ऐसी गड़बड़ नहीं होगी कोई। मुख्तार जाने दे, ऐसे शरीफ कई देखे हैं। शबनम, ये सेठ को पैसे वापस भिजवा दो। छोटे साईं, क्या सोचन दे पियो? मुख्तार 20 लाख रुपए दिए। साईं, आपके लिए 20 लाख क्या चीज है? आप तो करोड़ों के बारे सो। और साईं, खुश किस्मत हो आप, वो हीर नहीं है, हीरा है हीरा। साईं, आज तो 20 लाख में असली हीरा नहीं मिलता है, आपको तो